हेलो बच्चों, माय नेम इज जंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टेज। बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी लगेगा। इसमें क्या कहता है कि ये फंक्शन है, हमें बताना है कि एक्स इक्व टू पाई पे ये कॉन्टिन्यूस है। इसमें चेक करना है हमें कि शो करना है, इज द फंक्शन डिफाइन, हमें चेक करना है कि ये पाई पे कॉन्टिन्यूस है। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कैसे हैंडल करेंगे। हमें पॉइंट दिया हुआ है एक्स इक्व टू पाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन में जब किया था ना, उसी टाइप से ये क्वेश्चन होना है। इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पाई पे और राइट भी निकालेंगे पाई पे निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो रही है और एफ पाई, तीसरा पॉइंट एफ पॉइंट पाई होता है, उस पर निकालेंगे, उसकी वैल्यू अगर तीनों सेम हो गई तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई। लिखते कैसे है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स के जगह पे लेंगे ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव। अब लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ये हो गया पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई, लिमिट सॉल्व कर रहे हैं प्लस फाइव। अब वैल्यू क्या होगी, पाई का स्क्वायर हो गया, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है प्लस फाइव, ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। एफ एक्स के जगह पे क्या लेंगे, यही फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, अब यहाँ पे लिखेंगे पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव। पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू जीरो होगी, प्लस फाइव हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया। अब निकालेंगे हम एफ पाई, एफ पाई की वैल्यू निकालते हैं, एफ पाई, पाई एफ पाई कैसे निकलेगा, यहाँ पे पाई रखेंगे तो यहाँ पे रखना होगा, ये यहाँ पे रखना होगा, जहाँ जहाँ एक्स है उन सब जगह पे लिखना होगा हमें पाई, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव। साइन पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जीरो होता है, जीरो प्लस फाइव, ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव। हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ पाई तीनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इट इज सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ पाई, इट इज कॉन्टिन्यूस। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगना है, थ्योरम वन है बुक का, वो बोलता क्या है कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इफ एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन फर्स्ट रिजल्ट एफ प्लस जी विल बी कॉन्टिन्यूस, एफ माइनस जी ये भी कॉन्टिन्यूस होगा और एफ इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, एफ बाई जी ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, बट यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चेक करना चाहते हो उस पर कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये एट सी लेना चाहते हो तो एक्स इक्व टू सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है बच्चों, ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। ध्यान से देखो, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स जो होता है हमारा, इसका ग्राफ होता है ऐसे,
ये साइन एक्स का ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है बच्चों। सो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ, दोनों ग्राफ क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। सो रिजल्ट ये आएगा कि एफ प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कॉन्टिन्यूस होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम कॉन्टिन्यूस होता है, उनका डिफरेंस कॉन्टिन्यूस होता है, और प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होता है एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर भी चेक करना चाहते हो उस पर वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन और ये था उसका कॉन्सेप्ट। तो बच्चे कॉन्सेप्ट ध्यान से देखें आप लोग।